Hey viewers, hope you all are doing absolutely great. और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, अभी देखते पहले तो 12:30 बज रहे हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं नरेश भाई को मिलने। हालांकि कल रात को भी उनसे मिल लिया था, सूरत सिटी घूम लिया था। अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट आई बटन में जाके देखे, मैं वहां पर लिंक छोड़ दूंगा। तो अभी जा रहे हैं नरेश भाई को वापिस से मिलने, उनका पूरा जानेंगे कि वो पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और वो टीम PCF के बहुत ही मतलब खास एक मेंबर है, आप बोल सकते हो। तो हाँ, अभी तो फिलहाल तो उन्हें ही मिलने जाने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। तो उन्होंने अभी अभी मेरी बात हुई उनसे, आज वैसे बहुत ही लेट हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं, क्योंकि हाँ कल हम लोग अहमदाबाद थे और फिर नरेश भाई के साथ घूम रहे थे यूं ही सूरत में, तो आज उठने में भी बहुत ही लेट हो गया है। पर कोई बात नहीं, अभी जहाँ से जगह है वहाँ से ही शुरू करते हैं। तो पहुँच रहे हैं पहले तो नरेश भाई के पास, उन्हें मिलते हैं, फिर देखते हैं और जानते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पर आश्रम है उधर, और ये दोनों भाइयों ने बहुत ही अच्छी हेल्प की है गाड़ी पार्क करने में। और गाड़ी का हालत बहुत ही बुरा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कल जैसे हम लोग अहमदाबाद घूम के आए तो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। और इधर किधर ही है अपने नरेश भाई, अभी हाथ पाथ ऊँचे कर रहे थे, बोल रहे थे कि इधर ही कुछ काम के अंदर बैठे हुए थे। आइए उनसे भी बात करते, क्या भाई है ना भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर चीज हुई ना, एक नंबर चीज है भाई, आप लोग खिला रहे हो, बहुत सही काम कर रहे हो, बहुत सही काम है ना, बहुत सही। और ये कौन सा आश्रम है थोड़ा बहुत बताओगे? आश्रम का नाम लिखा है भैया, पढ़ा नहीं होता, गुजराती लिखा है, पढ़ा नहीं है। अच्छा ऐसा हो, आप कहाँ से हो? मैं यहाँ यूपी से हूँ। यूपी से हो, ठीक है चलिए मिलते हैं। भाई इधर 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 बोलो बोलो भाई, क्या भाई इधर किधर पहुंच गए थे? इधर आए थे, सब हमारा ग्रुप है, दोस्त है, अभी आए थे गायों के लिए, हम भी वायरस है ना, हाँ हम भी वायरस अभी फैल रहा है, तो गायों के लिए थोड़ा सा अच्छा करें, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े बड़े, इसलिए उसको उसकी आयुर्वेदिक दवा बना के उसको खिलाने आए थे। और ये कौन सी गौशाला है? गारियाधार गौशाला है, अमरोली में आई हुई है। एरिया अमरोली विस्तार है, स्वामीनारायण मंदिर के पीछे, साफरा बाटा अमरोली स्वामीनारायण मंदिर के पीछे। सही है। और ये हमारे सनी भाई है। अच्छा अभी थोड़ा बिजी है ऐसा लग रहा है। दोस्तों अभी तो फिलहाल नरेश भाई ऐसे हमको रख के जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी मिलेंगे, है ना नरेश भाई? अभी तो आप रख के जा रहे हो पर बहुत जल्दी मिलोगे, है ना? पक्का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम था गौशाला में, और अभी आप लोगों को शायद पता होगा कोई वायरस है, हम्पी वायरस करके ऐसा कुछ है, तो उससे गायों की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो रही है। तो ये जो हमारे भाई लोग हैं, सब लोग 40-50 जन थे अभी यहाँ पर, तो पर अब सब लोग डिस्पर्स हो गए, तो उन लोगों ने मिल के एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था आज, और उन्हीं के सिलसिले में नरेश भाई और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। पर कोई बात नहीं, अभी तो वापस जा रहे हैं, अब शाम को भी कुछ भंडारे का प्रोग्राम है तो उसमें भी जाना है। और देखिए ये दोनों भाई, तो ऐसा सब चल रहा है, अभी तो निकलते हैं, पहले तो फटाफट जाना है बरेनों को रखने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए थे नरेश भाई के साथ उनके ऑफिस के ऊपर, है ना नरेश भाई? कहां पर है, अपना एड्रेस बता दीजिए। 313 अमरोली, नहीं 313 बीज हब अमरोली कोस रोड सूरत। पहुंच गए थे एक नरेश भाई के साथ, बहुत ही उनकी बड़े मेरे को ऑफिस लगी, ऐसे देखी मैंने, बहुत ही शानदार ऑफिस थी। पर देखिए अभी हिला रहे हैं ये कि यूं करके कि पहले ये सब दिखा दीजिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल सब 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 कुछ कवर कर देंगे, है ना नरेश भाई? पक्का।
तो यही आज का है पूरा। और अभी शाम को भी किधर जाना है ना? शाम को भंडारा है जो साईं बाबा के वहाँ चल के जाते हैं, सिद्धेश्वर महादेव। हाँ हाँ, सिद्धेश्वर महादेव ओलपाड़। हाँ ओलपाड़ जाते हैं, तो जो यात्री है, जो श्रद्धालु लोग हैं जो चल के जाते हैं, हाँ। तो वहाँ पे रास्ते में हमने भंडारा रखा हुआ है, हाँ। पूरी टीम ने, तो वहाँ पे जो भी लोग यात्रारू है तो भूखे पेट पे जाते, तो उसको वहाँ पे नाश्ता, उसके लिए दूध छाछ सब खिचड़ी ऐसा सब प्रोग्राम किया हुआ है। तो रात को है 6 बजे के बाद, तो 6 बजे के बाद, हाँ 6 बजे के बाद तो हम वहाँ पे जाएंगे। और अभी पूरा वो सामान सब हमारे साथी मित्र सब चीज बना रहे हैं, उसको जो खाना है दूध सब्जी साग रोटी सब बना रहे हैं, खिचड़ी। तो अभी वहाँ पे 1-2 बजे चालू हो जाएगा खाने पीने का बनने का, फिर शाम को उसको लेके सब लेके वहाँ पे हम जाएंगे। और 4000 लोगों का हमने क्या बोलते हैं ये किया हुआ है आयोजन, 4000 यात्रियों को हम खिलाने वाले हैं। अरे एक नंबर बात है नरेश भाई, क्या करें, लोगों की सेवा करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं करना तो पड़ेगा भैया। बैठो योगी भाई, ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अभी नरेश भाई से थोड़ी बहुत वार्तालाप कर लिया है ना। One extremely annoying shift later. तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस पर से, और हमारे साथ है नरेश भाई और राहुल भाई, और अभी हम लोग जा रहे हैं ओलपाड़। तो ओलपाड़ में जो लोग सूरत में रहते हैं और उसके आजू बाजू में रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि एक सिद्धेश्वर महादेव जी का उधर एक मंदिर है। तो आज वैसे है रविवार है आज, और आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं पगपाला यात्रा करके, जो हम लोग बोलते हैं गुजराती में उसको, तो उधर बहुत सारे लोग जाते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं और चलते जाते हैं, तो चलते चलते उधर पहुंचते हैं। तो उनके लिए आज एक छोटा सा सेवा का कार्य किया है हमारे अमरोली वाले सब, एक युवाओं का पूरा एक ग्रुप है, और नरेश भाई ने भी बहुत अच्छा पूरा मैनेजमेंट किया है, दोपहर की सारी व्यवस्था करके रख दी है उधर, और उधर हमारा स्टॉल लग चुका है अभी। तो आज उधर जाके हम लोग थोड़ी बहुत सेवा करने का ट्राई करेंगे, और नरेश भाई साथ में है। नरेश भाई आप तो कुछ बताइए। तो दोस्तों अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, और आप देखिए कंटिन्यू आपको पूरा ब्लॉग वहाँ पे जाके सब यात्रा की हमने व्यवस्था की है, खाने पीने की, जो रास्ते से चल के जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा नाश्ता या खाने का रास्ते पे वहाँ पे हमने सब इंतजाम किया हुआ है। और योगी भी अभी ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जैसे ब्लेड उड़ा रहे, ऐसे गाड़ी आपने देखा ना? नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर है ना खड्डे बहुत है ओलपाड़ वाले रोड पे, गाड़ी धीरे धीरे चलाओ तो ऐसा नहीं है, वो क्या है थोड़ा गियर का वो सब ध्यान में रख के चलाना पड़ता है, थोड़ी कभी कभी ऐसे कूद जाती है मेरी गाड़ी, हालांकि मैं धीरे ही चलाता हूँ। कोई बात नहीं चलो, पर आगे देख के चलाओ। तो दोस्तों योगी भाई का पूरा ब्लॉग देखिए और आपके सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए थे जहां पर भाई लोगों ने हमें बुलाया था, वो पूरा युवा मंडल था उसने, और नरेश भाई ने लोकेशन डाल के हम लोगों को पहुंचा दिया। अभी हम लोग ओलपाड़ वाले हाईवे पर, तो चलिए चलते हैं उधर, क्या है क्या नहीं थोड़ा बहुत देखते हैं ना नरेश भाई। चलिए ये है अपने सनी भाई, और इन्होंने ये वाला पूरा शुरू किया था। तो सनी भाई बताएंगे कैसे होता है क्या होता है। ये हमारा पूरा हरिओम ग्रुप है, हाँ हाँ, पूरे ग्रुप मिलके हम सब जितने भी पद यात्री जाते हैं चल के उनकी सेवा करते हैं। इसमें फराड़ी खिचड़ी, जो फराड़ी आइटम है, फराड़ी खिचड़ी है, छाछ है, चाय है, फराड़ी नाश्ता है, वो सबका आयोजन कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा रविवार है और हमने 4000 आदमी का फराड़ी खाना रखा है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो सनी भाई, थैंक यू सर। दोस्तों इसी तरीके का काम होता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये पूरा अपना ग्रुप है, सब लोग काम के अंदर जुट गए हैं, सब लोग सेवा भावी है और सेवा कर रहे हैं। हर हर महादेव। देखिए साथ में चाय का भी आयोजन करके रखा है, और हाँ सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं अच्छा खासा।
तो दोस्तों ये था अपना आज का पूरा व्लॉग। हम लोग आज पूरा दिन नरेश भाई के साथ घूमे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर वर का भी काम था वो किया, और सनी भाई का जो पूरा ग्रुप था उसके साथ भी मिलके थोड़ा बहुत सेवा कार्य किया। अभी यहाँ पर बहुत ही सारे लोग है, तकरीबन 100-200 लोग हो गए है ना नरेश भाई। तो अभी हम लोग भी यहाँ से निकल रहे थे। यही था आज का पूरा वीडियो, और डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, टिल देन स्टे ट्यून्ड। और अब नरेश भाई बोलेंगे क्या। नरेश भाई, योगी भाई को देखिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करो, राहुल भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है।